उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने रविवार को एक ऐसी हरकत कर दी जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी के पास स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रति जलाई। बीच सड़क पर रामचरितमानस की प्रति को पहले फाड़ा गया, फिर इसमें आग लगाई गई। समर्थकों का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं। लेकिन जिस देश में हिंदू धर्म के इतने बड़े लोग रहते हों, जिस देश में हिंदू धर्मावलंबियों की इतनी बड़ी संख्या हो, वहां पर रामचरितमानस की प्रति जलाकर आखिर कौन सा राजनीतिक विरोध किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने ये सवाल पूछे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों ये कहा था कि रामचरितमानस के विवादित अंशों को हटाया जाना चाहिए। देश में तमाम दलित नेताओं ने भी इस तरह की मांग उठाई। दलित चिंतक बन रहे तमाम लोगों ने ये कहा कि रामचरितमानस में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हटाए जाने की ज़रूरत है और इसके लिए इसके रिव्यू की आवश्यकता है। इसे लेकर दो तरह की बहस शुरू हुई। कई लोगों ने यह कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के लोगों का अपमान किया है, इसे लेकर तमाम हिंदू संतों ने विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर तमाम दलित चिंतकों से लेकर ओबीसी समाज के लोगों ने इसका समर्थन भी कर डाला। रविवार को विरोध यहां तक पहुंचा कि रामचरितमानस की एक प्रति को लखनऊ की सड़कों पर जलाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आया तो लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए। लोगों ने यह कहा कि अगर किसी दूसरे धर्म के किसी धर्म ग्रंथ के साथ ऐसा हुआ होता तो इस पर तमाम फतवे जारी होते, तमाम विवाद होता। लेकिन हिंदू धर्म के ग्रंथों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ राजनीतिक विरोध बताया जा रहा है, जो कि सही नहीं। बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले ही अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखा था। लेकिन इसके बावजूद उनके समर्थकों ने लखनऊ के सड़कों पर ऐसा क्यों किया, इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।